के साथ। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो अल्लाह के रसूल देते हैं वो ले लो, इसे मना किए उसे रुक जाओ। अब क्या देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह बकरा आयत नंबर 151, ये एहसानात वैसे ही है जैसा हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हें पढ़ पढ़कर सुनाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देते हैं, पहले निशानियां बताते हैं नबी करीम, अल्लाह के ताला फरमा रहे हैं ये एहसान है मैं तुम पर तुम्हारे लिए अपने महबूब को भेजा, अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये पहले एहसान है तुम्हारा। वो क्या करते हैं, अब मिशन जो है ना, अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया और सहाबा के जरिए औलिया अल्लाह तक ये मिशन आया, वो क्या है, आयतें पढ़ के सुनाते। आयतें क्या है, निशानियाँ होती हैं। निशानियों से क्या पता चलता है, निशानियों से रब की पहचान होती है, निशानियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होती है, निशानियों से बंदा अपने मकसद को पा लेता है। तो पहले क्या मिशन में बताया गया, निशानियां तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, तुम्हारा जाहिर और बातिन पाक करते हैं। अब ये जाहिर और बातिन पाक करते हैं, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलूस मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का सबूत क्या है कि हम निशानियां जाने, निशानियां देखे, निशानियां बताने वालों के पास जाए, और जहां पर जाहिर और बातिन हमारा पाक होता है वहां पर जाए। अब ये वफादारी और ये खुलूस है, जो हम दूसरे चीज़ें बना लिए, जो एक दो चीज़ें पकड़ के बोल रहे हैं कि हम वफादार हैं, हम आशिक रसूल को हम अपने जहनों से अपना दिन बना लिए, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने अपने महबूब को इसलिए भेजा कि तुम्हें तुम्हारी निशानियाँ बताएं, ताकि तुम मुझसे और मेरे महबूब से करीब हो जाओ और तुम्हारा जाहिर और बातिन पाक करें। पाकी क्या होती है, जाहिर से भी होती है, बातिन की पाकी होती है। हम पाकी क्या समझते हैं, सिर्फ वजू कर लेना, गुस्ल कर लेना, ये जाहिरी पाकी को पाकी समझते हैं, एक बातिन पाकी भी होती है। वो क्या है, बातिन क्या है, दिल, बातिन क्या है, रूह, बातिन क्या है, नफ्स, यानी दिल भी पाक हो, नफ्स भी पाक हो। तो ये पाकी जहाँ मिलती है वहाँ पर जाना, और तुमको किताब यानी कुरान और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब की तालीम भी होना, पहले तो निशानियाँ देखना, फिर जाहिर और बातिन भी पाक होना, फिर किताब की तालीम होना, हिकमत भी बताते हैं और तुमको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। तो चार चीज़ें इसमें मेन चीज़ें बताई गई है कि पहले निशानियाँ बताते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते, पहले निशानियाँ बताते, फिर जाहिर और बातिन पाक करते, और फिर जो ना कुरान की भी तालीम देते, फिर उसकी हिकमत भी बताते। तो कुरान पहले थर्ड आया, पहले पाकी चाहिए, पहले निशानियां देखना है, निशानियां देखना है, फिर पाकी करना है।